बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा के विधायक रामदेव राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया सड़कों का उद्घाटन। विधानसभा अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड में कुल 7,81,55,000 रुपये की लागत से बहुप्रतीक्षित भगवानपुर से हरिचक, जगदीशपुर से विशनपुर तथा बनबारीपुर से जगदीशपुर सड़क कार्य का शुभारंभ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बछवाड़ा विधायक रामदेव राय के द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक ने बताया कि भगवानपुर संजात हरिचक पथ कुल 5,30,66,000 रुपये की लागत राशि से कुल 5 किलोमीटर लंबा तथा 18 फीट चौड़ा, वहीं बनवारीपुर से जगदीशपुर सड़क 128 लाख रुपये की लागत से कुल 6 किलोमीटर, वहीं जगदीशपुर से विशनपुर सड़क कुल 122 लाख रुपये की लागत से निर्माण किया जाएगा। उक्त तीनों सड़क को एक साल के भीतर तैयार करने का समय सीमा विभाग के द्वारा तय किया गया है। सड़क निर्माण कार्य को शुरू होते देख आम जनता में खुशी देखने को मिले। इस अवसर पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शिव प्रकाश गरीबदास, कार्यपालक अभियंता राम सेवक सिंह, जूनियर इंजीनियर उमेश महतो, BDO अजय कुमार, CEO नीलकांत, थानाध्यक्ष दीपक कुमार समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। इस योजना का जो शुभारंभ किया गया है, कितने का ये प्रकलित राशि क्या है? हमारे ख्याल से लगभग 8 करोड़। इसका सड़क का चौड़ाई क्या होगा? बहुत दिनों से 18 फीट लंबा। कहां से कहां तक ये सड़क का निर्माण? ये यहां से लेकर के हरिचक। इस सड़क से किन किन लोगों को जी क्या कहे? ये सड़क जो है सर, ये सड़क कौन कौन से मुख्य मार्गों को जोड़ती है? ये तो सब मार्ग को जोड़ देगी। अब जोड़ लीजिए उधर हाईवे और इधर जोड़ लीजिए सीधे क्या कहते हैं वो दरभंगा का हाईवे। ये योजना कब तक पूर्ण हो जाएगा? ये योजना कब पूर्ण होने के लिए तो इसमें समय लगता है। समय सीमा सर कुछ होगा ना? कुछ समय सीमा होगा ना? हाँ, समय है, समय सीमा है। इसका शुरुआत आज से हो गया है, पूर्ण होने का सर कुछ समय सीमा है ना, वो बता दीजिए कब तक ये पूर्ण हो जाएगा सर? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय, 1 साल लगेगा। 5-7 साल से जैसे जर्जर का है रोड, है इसका जो है चलने लायक नहीं है। अभी जो है से यहाँ से कम तो भगवानपुर से लेके इधर समस्तीपुर शिवाजी नगर तक जो है से बहरी तक का रास्ता ही जो है से कम्प्लीट होगा, जो चलने में पब्लिक को सुविधा होगा। बहुत बहुत अच्छा है जो इस रोड को बनने के लिए अभी जा रहा है, इसलिए मैंने ग्रामीण को और नेता रामदेव राय के अथी से ये रोड जो है सो बनने जा रहा है। मेरा नाम राम सागर सहनी, भगवानपुर पूर्व सरपंच। रोड है से 5 जिला से जुड़ रहा है और यह 5 साल से जर्जर एकदम टूटा हुआ है, आदमी को चलने में बहुत कठिनाई होता था। आज जो रामदेव राय विधायक के द्वारा ये शिलान्यास हुआ है, ये बहुत सुख की बात है। सब जनता का बहुत बड़ा इसमें योग है और विधायक जी बहुत परिश्रम से इस रोड को उद्घाटन करवाए हैं और 5 जिला का, पटना जिला, बेगूसराय जिला, समस्तीपुर जिला, दरभंगा जिला, मधुबनी, सब जिला का ही जोड़ने का ये रोड है। और ये रोड जितना अच्छा बने, जितना जल्दी बने, उतना जनता का दुख दूर हो जाएगा। दयानंद चौधरी, भगवानपुर का यही। और सर ये योजना का जो शुभारंभ किया गया, ये योजना सर कितने राशि की है और ये योजना कब तक पूर्ण हो जाएगी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। ये जो है सो फेज 2 का है, ये वर्ल्ड बैंक से संपोषित योजना है। जो रोड पहले से बना हुआ है अगर टूट फूट गया है, गड्ढा हो गया है, तो उसके मरम्मति के लिए ये मेंटेनेंस पॉलिसी 2018 एवं PMGSY फेज 2 के तहत जो है सो मरम्मति किया जा रहा है। इसकी ये जो है 5,77,00,000 का जो है योजना है।
13 किलोमीटर रोड। कितना चौड़ाई क्या है सर इसका? चौड़ाई है 3.75 मीटर। कब तक कार को 12 फीट 4 इंच। कब तक कार को पूर्ण कर लिया जाएगा? टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, लेकिन हम 6 से 8 महीना में इसको पूरा कर देंगे। नाम क्या हुआ सर आपका? रामसेवक सिंह, कार्यपालक अभियंता।